नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विसंदत। मैं टिप्स ऑनली विन से, और आज हम बात करेंगे यार मेसू रेस टिप्स की। दो मेजर इवेंट है यार, कॉर्ट्स ट्रायल और काबिनी मिलियन, और काफ़ी लंबा कार्ड है और टफ कार्ड भी लग रहा है मैसू जैसा हर बार ही लगता है। 1 बजे पहली रेस है यार, 9 रेसें हैं और आखिरी रेस 5 बजे है। तो हर रेस में यार, जैसा आप पहली रेस में आ जाते हैं डायरेक्टली, पहली रेस में टॉप हॉर्सेस ऑन फील्ड, आप समझ सकते हो यार कितना टफ कार्ड लग रहा है। पहली रेस में मैंने घोड़े निकाले हैं टॉप हॉर्सेस ऑन फील्ड में, 1 नंबर लकी सन, फ्रंट निकल के घोड़ा अपसेट कर सकता है यार। इस टाइम 1200 मीटर की रेस है, क्लास 5 की रेस है। सेंट लूसिया आकाश अग्रवाल बैठ गया। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि यार स्टील करा है अक्षय कुमार के नीचे घोड़ा, क्यों करा है, तो शायद चौथा हुआ उस दिन घोड़ा, क्योंकि स्टील का बहुत फर्क पड़ता है मैसूर में ना, जूतों का जो ये सूज चेंज होते हैं स्टील टू एल्युमिनियम और एल्युमिनियम टू स्टील, तो अब दोबारा पॉजिटिव हो रहा है कि भाई सूज चेंज हो रहे हैं दोबारा, और आकाश अग्रवाल बैठा दिया है, वेट सेम ही जा रहा है 62 किलो, तो इस बारी भी मतलब 4 या 5 रुपए के भाव में अपसेट कर सकता है घोड़ा, ठीक है। स्कारलेट प्रिंसेस, कंटी डिलाइट, लास्ट टाइम सभी को पता है नॉन स्टार्टर दे दिया गया था घोड़े को, जेट स्पीड है, न्यूज ब्रेकर है, वर्जीनिया क्वीन अभी लास्ट टाइम भागा था, 3rd ही हुआ था, स्विस बे। तो दोस्तों इस रेस में आ जाते हैं यार, इसके ओड ये रहे आपके आगे ना, दो घोड़े पिक करके चलूंगा यार इसमें मैं। 10 नंबर कंट्री डिलाइट, लास्ट टाइम जैसा मैंने बताया कि फेवरेट होके घोड़ा जीता था और नॉन स्टार्टर दे दिया था, मे भी वेट गिर गया या जो भी हुआ घोड़े से। और दूसरा घोड़ा हम पिक करके चलेंगे, पहले ही रन था लास्ट इसका, मतलब सीजन का पहला रन था, बहुत बढ़िया रन दिया है, वर्जीनिया क्वीन एच जिसान के नीचे, ठीक है। तो ये दो घोड़े पिक करके चलेंगे। सेकेंड रेस में आ जाते हैं दोस्तों। सेकेंड रेस यार इसमें हम घोड़े ये पिक करके चलेंगे आपके, 1100 मीटर की रेस है, 3 ईयर ओल्ड, 3 नंबर राज स्मार्ट कैडिलक। लास्ट टाइम यार कुछ लोग शायद मेरे से ना एग्री भी करेंगे कि भाई लास्ट जिस तरीके से बोर्ड आउट हुआ है, घोड़ा बोर्ड आउट होना नहीं चाहिए था। जो लोग कार्ड पढ़ना जानते हैं या जिनको थोड़ा सा दोनों पीछे के रन अगर देख के चलें, तो मेरे ख्याल से लास्ट टाइम प्लेस आउट नहीं होना चाहिए था, और घोड़ा 5th लगा है, फ्रंट भागा था और उसके बाद 5वां लगना घोड़े का सरप्राइज था बहुत मेरे लिए, और इस बारी 100 मीटर डिस्टेंस कम कर दिया है, तो इस बारी घोड़ा शायद जीतना चाहिए स्मार्ट कैडिलक। और उसके बाद घोड़े हैं यार इंपेरियस भी अपसेट करने के लिए, मिडोज मिलोज का पहला रन है असद आलम के नीचे, और 11 नंबर रोमांटिक हार्ट बेंगलोर का घोड़ा है, ट्रैक अच्छा देके जा रहा है। और तो इस रेस पर आ जाते हैं यार हम, ये आपके आगे ओड़े हैं दोस्तों। स्मार्ट कैडिलक एक और बारी मैं भाव को लेके चल रहा हूँ कि भाई 1.5 रुपए के आसपास ही अगर ओपन होता है घोड़ा या 2 रुपए के आसपास, तो घोड़ा जीतना चाहिए, तो 1.5 रुपए के आसपास मैं भाव लेके चलूंगा घोड़े का। और इसमें दो घोड़े जो मैंने पिक किए हैं दोस्तों 1100 मीटर में, 4 नंबर जैसा मैं बता रहा हूँ स्टार्ट टू फिनिश इस बारी जा सकता है, अटेम्प्ट कर सकता है स्मार्ट कैडिलक को जय चरुल के नीचे, और 9 नंबर पहला रन है मिलोज अरशद आलम। तीसरी रेस में आ जाते हैं दोस्तों। तीसरी रेस में मैंने 4 ही घोड़े पिक किए हैं मॉर्गनाइट, और ट्रैक में दे रहा है कि इग्नोर लास्ट रन, तो इस बारी में भी अच्छा रन दिया अरशद आलम के नीचे। डिंस गर्ल पहले रन पे बहुत बढ़िया रन दिया, लास्ट टाइम जीता है घोड़ा। और 8 नंबर और 10 नंबर, 8 नंबर का पहला रन है, 10 नंबर का फेस्टिव स्टार बहुत बढ़िया जीता है लास्ट टाइम यार घोड़ा। तो इसमें ओड़ी ये रहे आपके आगे ना। 1400 मीटर की रेस है क्लास 4 की यार, इसमें 2 ही घोड़े पिक करके चलूंगा मैं, डिंस गर्ल अंगद और 2 नंबर। चौथी रेस में आ जाते हैं दोस्तों। चौथी रेस में मैं घोड़े पिक करके चलूंगा यार टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड में, वाइल्ड स्पेल, 3 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर, और इसमें ओड आपके आगे ये रहे यार वाइल्ड स्पेल, दोबारा फेवरेट लेके चलूंगा, लास्ट टाइम भी बहुत ही लगा था कि भाई
घोड़ा ही एकदम बिल्कुल ही नॉन स्टॉप ही चला गया, तो वो सैडल का इशू था। मे भी इस बारी ऐसा ना हो तो एक नंबर फेवरेट ही लेके चलूंगा। एडी द ईगल है, गोल्ड क्रेस्ट है, बहुत अच्छा घोड़ा है यार। अकेला डी ओरो है, बहुत अच्छा घोड़ा है। चारों के मून में क्या बोलते हैं इसे, सस्पेंड हुआ है, और जॉकी सस्पेंड हुआ है, और डी डियर है, सिल्वर डेज अगेन है, फ्रंट रनर है, अपसेट कर सकता है। नंबर रेसलर लास्ट टाइम पहला रन था, बहुत बढ़िया रन दिया है, तो इस रेस में उड़ ये रहे। और ये फाइनल सिलेक्शन लेके चले गए यार हम, एक नंबर वाइल्ड स्पेल जी है चरुल के नीचे, और तीन नंबर गोल्ड क्रैश। पांचवी रेस में आ जाते हैं दोस्तों। पांचवी रेस में भी यार ये दो तीन घोड़े एक साथ भागे हुए हैं, जैसा मैं हर बारी कहता हूँ, पांच नंबर ग्रेट होप, ये टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड में ही है, पांच नंबर ग्रेट होप एक साथ भागे हुए हैं, कोयोटा गर्ल एक साथ भागा हुआ है, ऑरेल एक साथ भागे हुए हैं, तीन घोड़े। और ग्रेट होप ने दोनों को बीट किया था 2000 मीटर में, आज 1600 मीटर का डिस्टेंस है। तो इस रेस में यार हमारे पास ये सिलेक्शन है, टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड है, और ये इसमें भाव है और ये रेस के आगे। और इसमें यार जो फाइनल पिक रहेगा, बड़ा टफ हो रहा था घोड़ा निकालने के लिए, तो 12 नंबर ऑरेल लेके चलूंगा यार मैं, जिसान बैठा दिया है, और वर्सेस मैं लेके चलूंगा इसमें तीन नंबर शिवा स्वाता वाचिया, जो भी कहेंगे यार, बड़ा नाम भी थोड़े आसान रखा करो यार, जीटी सुरेंद्र जी या जो भी ऑनर है। ठीक है, तो तीन नंबर सिविता वाचिया और 12 नंबर ऑरेल जिसान के नीचे। ठीक है दोस्तों, छठी रेस में आ जाते हैं यार। छठी रेस भी थोड़ा सा जैसा मैं सूज का हमेशा कहता हूँ, किंग ता चाला सूज चेंज हो रहा है, एल्युमिनियम से स्टील जा रहा है, घोड़ा टॉप वेट में जा रहा है, 61.2 किलो का, अराउंड 67 किलो। नथिंग वरी, मुंबई से घोड़ा आया है, एल्युमिनियम से स्टील कर दिया है घोड़े को यहाँ पे, और मोक भी दे के आ रहा है घोड़ा। तो इसमें यार ये मेरे क्या बोलते हैं सिलेक्शन, ये लेके चलूंगा मैं इसमें तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर 9 10 11 12। ओड आपके आगे ये रहे यार, ब्रुनिल बहुत बढ़िया घोड़ा है, लास्ट टाइम 1200 जीता है, और इस बारी होप कि 1400 में भी बेटर रन दे, और ऑल ग्रेट फ्रेंड तो वैसे ही फॉर्म में घोड़ा है यार। तो 1400 मीटर क्लास टू की रेस है दोस्तों, दो घोड़े पिक करके चलूंगा मैं, चार नंबर ऑल ग्रेट फ्रेंड्स एच जिसान के नीचे, और 10 नंबर ब्रुनहिल्ड पीपी देवेट। सातवीं रेस में आ जाते हैं यार, मैसूर कोल्ट्स ट्रायल स्टेक, छह के छह घोड़े मुझे लग रहे हैं कि भाई ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है इस रेस में। तो ओड आपके आगे ये रहे यार, ये मैसूर कोर्ट्स पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ लोगों ने वीडियो देखी होगी। ठीक है, असमगदीरा बहुत अच्छी क्लास जीत के आया यार, स्टील आई राइस भी मोक बहुत बढ़िया दे रहा है, ब्रैक्सटन लास्ट टाइम 5 नंबर के साथ ही भागा हुआ, ब्रैक्सटन स्लो निकला था घोड़ा, इंडियन पैट्रियट के साथ ही भागा हुआ है, वंडरफुल अपसेट घोड़ा है दीपेश नायडू जी का, और एलेवाडो क्या बोलते हैं इसे। अच्छा, इसमें एक और चीज यार, इसमें ब्रैक्सटन में अरशद आलम बैठ गया क्योंकि पी किरण राय सस्पेंड है, तो ये मैंने अपडेट इसमें मैं करना छूट गया मेरे से, तो इसमें ये थोड़ा सा देख लेना यार, ब्रैक्सटन में अरशद आलम बैठ गया पी किरण राय की जगह। ठीक है, तो ओड इसमें आगे ये रहे यार आपके आगे ना, तो इसमें दो घोड़े यार मैं पिक करके चलूंगा, असमगद्दीरा सूरज नायडू के नीचे, और 2 नंबर स्टील आई राइज इमरान खान। ठीक है दोस्तों, आठवीं रेस में आ जाते हैं यार, ये भी मेजर इवेंट है, काबिनी मिलियन। इसमें थोड़ा सा यार ये है कि भाई तैमूर बहुत बढ़िया घोड़ा है यार, लास्ट टाइम 1600 ही जीत के आया है, सी एफ कॉटेज और बहुत घोड़े थे जो इसके आगे लग रहे थे, और अगर स्लो नहीं निकलता तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे भी 1600 मीटर में बहुत बढ़िया रन दे तैमूर। उसके बाद आ जाते हैं 2 नंबर पे प्राइजलेस गोल्ड, बहुत बढ़िया घोड़ा है यार, ऑन फॉर्म ही चल रहा था, और लास्ट टाइम जहाँ पे ये चौथा लगा है घोड़ा, आप देख रहे हैं जैसा मद्रास में, वहाँ पे भी इसके ऊपर जो घोड़े हैं बहुत अच्छी फील्ड थी उस दिन, और चौथा लगा हेड से, मल्टी फेसेटेड के साथ ही चौथा लगा हुआ घोड़ा है, तो आज उतनी बड़ी फील्ड लग नहीं रही है, लेकिन फिर भी तैमूर एक अच्छी पोजीशन में लग रहा है, लेकिन तैमूर का वेट थोड़ा सा 60 kg जा रहा है,
तो दो नंबर बहुत अच्छी पोजीशन पे लग रहा है यार, दो नंबर जीतना चाहिए घोड़ा। तीन नंबर लास्ट टाइम विप लॉस हुई है, बहुत ओवरवेट जा रहा था, आज 58 किलो में जा रहा है, असद इस बार बैठा दिया है तो मे बी एक अपसेट रन दे सकता है। चार नंबर हैवलॉक क्रूज, बहुत बढ़िया घोड़ा है यार, लास्ट टाइम मैंने उसमें भी डाला था सिलेक्शन में भी, मतलब टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड में भी, और माई ओपिनियन के साथ दूसरा लगा हुआ है 4.25 लेंथों से, तो ये एक बहुत बढ़िया बात थी। और फ्रंट ही निकला था और ऊपर के भी रन देखोगे तो 1600 मीटर में अच्छा रन दे रहा है घोड़ा, तो अपसेट कर सकता है यार जीटी सुरेंद्र जी का ये घोड़ा। 6 नंबर इस घोड़े को तो यार मैं मतलब पर्सनली ये मेरा एक्सपीरियंस है, खेल खेल के थक गया, ये घोड़ा जीता नहीं, एक ही बार जीता था इमरान खान के नीचे ही, और बहुत बारी खेला हूँ और कभी नहीं आता, लास्ट टाइम स्लो निकला, लास्ट टाइम भी आ गया लॉन्गर ओड में, तो प्लेस के लिए कंसिडर करूंगा यार 6 नंबर अगर आता भी है तो। और 7 नंबर ट्रस्ट पॉइंट जीता हुआ है, लास्ट टाइम विप लॉस हुई थी 2000 मीटर, बहुत सरप्राइज रन था, लेक ताहो को मारा था, बट 1600 में चासनी ने बीट किया हुआ है 1600 मीटर में। और 8 नंबर चासनी जैसा अक्षय कुमार राकेश जी के घोड़े चला रहा है मैसूर में, तो और एमएलडा 60 किलो से 56.5 किलो जा रहा है यार, और चासनी के आगे चौथा लगा था, बहुत लगा है घोड़ा, बहुत बैटिंग हुई थी लास्ट टाइम, इस बार ही अपसेट कर सकता है। तो दोस्तों इसमें आ जाते हैं ओड ये रे यार, प्राइजलेस गोल्ड को मैं इवन ही लेके चलूंगा फेवरेट ही, जैसा मैं बता रहा हूँ कि जीतना चाहिए घोड़ा, और तैमूर 2.5 रुपये, क्योंकि तैमूर ही दूसरा घोड़ा दिख रहा है 1600 मीटर में जो बीट कर सकता है। और ये फाइनल सिलेक्शन यार मेरा दो ही घोड़ों का रहेगा जैसा मैं बोल रहा हूँ, 2 नंबर प्राइजलेस गोल्ड और 1 नंबर वर्सेस 1 नंबर तैमूर भवानी सिंह। आखिरी रेस में आ जाते हैं यार, 9वीं रेस है दोस्तों, ब्लैक कॉफी। लास्ट टाइम बड़ी उम्मीदें थी लोगों की कि घोड़ा आएगा, क्लास 2 में भागा था, आज क्लास 3 जा रहा है, और मतलब राइडिंग का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी ये शो कर रहा है कि यार घटिया राइडिंग करी थी लास्ट टाइम ए एस सदसवार ने, या बेकार राइडिंग कह लो, एक ही बात है। तो इस बार ही उम्मीद है कि भाई अपसेट कर सकता है घोड़ा। और 4 नंबर नोटोरिटी लास्ट टाइम आया था, मैंने सिलेक्शन में भी डाला था घोड़ा और जीत भी गया था। 5 नंबर अभिनंदन अपसेट कर सकता है, डेरिंग प्रिंस भी ऐसी अपसेट के लिए पसंद आ रहा है, ऑरेलिया परफेक्ट परफेक्ट और बहुत बढ़िया रन दिया था, और रिथमिक अरशद आलम के नीचे, पूरे दिन में अरशद आलम यार अच्छे घोड़ों पर बैठा हुआ है, तो नज़र रखना इस पर भी। और ये आपके आगे उड़े हैं यार, तो इसमें दोस्तों जो फाइनल पिक रहेगा यार मेरा 4 नंबर नोटोराइटी KSI किरण, और 11 नंबर रिथमिक अरशद आलम। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट यार, और मिलते हैं, कार्ड बहुत लंबा है, टफ रेसेस है, जहाँ पे मेरी सिलेक्शन के साथ जिन लोगों को पढ़ना आता है थोड़ा समझ आता है, अगर मेरी सिलेक्शन के साथ दोस्तों आपका सिलेक्शन मिलता है तो कोशिश करना कि वही बैटिंग करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 9 रेसें बहुत होती है यार, और अगर फिर भी सारी रेसें खेलने का मन हो तो कोशिश करना कि भाई जो प्लेस मिलती रहे सेव करके उसको खेलते रहो, तो शायद एक अच्छा अमाउंट ले जा पाओ, वरना मैसूर है यार कुछ भी हो जाता है इधर। ठीक है, ऑल द बेस्ट भाइयों, मिलते हैं यार बेंगलोर में, डर्बी है इस बार ही लास्ट टाइम, मतलब कमिंग वीकेंड पे डर्बी है, तो उसकी भी उसी वीकेंड पे मिलते हैं फिर बेंगलोर डर्बी पे। ओके दोस्तों, बाय।